नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग दो पार्ट में देख चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को हम देखेंगे। उनको डिराइव करने के लिए कैलकुलस यूज़ हो रहा है, वो मेथड देखेंगे। और दूसरा मेथड, पहला मेथड कौन सा है? मैथमेटिकल है, ठीक है, मैथ से। और दूसरा कौन सा है? कैलकुलस है, कैलकुलस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं, दोनों ही मेथड से डेरिवेशन दिया गया हुआ है और हम दोनों को ही कवर करेंगे। और आप डेरिवेशन पर ध्यान देंगे क्योंकि बोर्ड में तो डेरिवेशन पूछा जाता है ना, ठीक। सॉरी, अरे पहला क्या है? पहला जो हम देख चुके हैं उसमें क्या है कि कहाँ गया? हाँ, एक तो अपने को ये समझना है कि ये आप याद रख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल एक्स नॉट है, फाइनल एक्स है। वेलोसिटी इनिशियल वी नॉट है, फाइनल वी है। और टाइम इनिशियल जीरो है, फाइनल टी है, ठीक है। ये आपको हम हर जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो है ये है, कौन सा है? वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये प्रीवियस क्लासेस में भी आ चुका है और अभी भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला क्या आता है इसमें? कि इसमें ये बोला गया हुआ है कि वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है, ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है अपना, इसके अंदर का जो एरिया है, ये एरिया जो है वो क्या देता है हमको? एक्सलरेशन देता है, एरिया है ना, डिस्प्लेसमेंट देता है, सॉरी, ठीक है। तो इसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो ऐसा फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया हुआ? एक रेक्टेंगल ले लिया गया है और एक ट्रायंगल ले लिया गया है। ये हम ऑलरेडी देख करके देख चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार कि वेलोसिटी, अब ये सब हो रहा है ना कि वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व है वो हमको क्या देगा? एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आपको पता करना हो तो आप सिंपली समझिए कि इसमें हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे तो, और वेलोसिटी और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। एक्स मिलता है, या एस जो एस बोलते हैं, एस मिलता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा चीज़ कैसे निकालेंगे इसमें? तो पहला तो इसमें यह है कि इसका आप एरिया निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू, पहला इसका एरिया वी नॉट इंटू टी, वी नॉट इंटू टी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? टी, इंटू हाइट, हाइट कितना है? टोटल कितना था हमारा? वी था, और नीचे वाला वी नॉट था, तो इस वाला एरिया कितना हो जाएगा? वी माइनस वी नॉट हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन के आ जाता है वी नॉट टी प्लस हाफ ठीक है हाफ वी माइनस वी माइनस वी नॉट इंटू टी, ठीक है। अब वी माइनस वी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, v माइनस वी नॉट, वी इक्वल्स टू ए टी देखा था ना, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी था ना, तो यहाँ से क्या आ जाता है? ए टी इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट, ठीक। इसको हम क्या करेंगे? ए टी को यहाँ पर डाल देंगे और ये हमारा बन जाता है v नॉट टी प्लस हाफ ए टी, ए टी पहले से था तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, सॉरी, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला कैसे आता है? कि अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो आप एरिया अंडर कर्व है वो अपने हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल के टर्म्स में तोड़ के निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको? इसको हम एक ट्रपीजियम मान सकते हैं, ठीक है। ट्रपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रपीजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इसमें इस पुट कीजिए। वो मैंने एस करके पढ़ा है ना, तो बार बार एस ही लिखा था। एक्स इक्वल्स टू, मतलब एक्स क्या है, एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, वी नॉट प्लस वी, वी नॉट प्लस वी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम टी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल साइड्स है ना, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो उसी का मैंने सम लिखा है, वी नॉट प्लस वी, वी नॉट प्लस वी और इंटू टी। ठीक है, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब देखिए, वी नॉट प्लस वी अपॉन टू, ये टू ही लिखा हुआ है, इंटू टी, थोड़ा इसको अच्छा देखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है अपना, ये अपना एवरेज वेलोसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज, मैंने इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू जब हम करते हैं तो एवरेज बोलते हैं। ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है, चाहे तो ये हो या फिर उसको हम लोग कॉन्स्टेंट भी बोल लेते हैं। तो इसको हम लोग बोल लेते हैं x इक्वल्स टू v, ये बार जो लगा दिया ना हमने, इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, वी टी। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसी को ये तोड़ के लिए दिखाया हुआ है। अब यहाँ से क्या होता है कि x इक्वल्स टू वी टी तो आ गया, वापस इसको देखिए, x इक्वल्स टू वी का वी जो वी बार जो था इसका वैल्यू पुट कीजिए, वी नॉट प्लस वी बाई टू, और t को क्या लिख सकते हैं इस वाले फार्मूला से, t इक्वल टू वी, इस वाले फार्मूला से t को लिख सकते हैं वी माइनस वी नॉट अपॉन ए, वी माइनस वी नॉट अपॉन ए। ठीक है, अब इससे देखिए क्या आ जाता है कि 2 और a ऊपर यहाँ जा सकता है, 2 और a ऊपर जा सकता है, तो 2ax, और ये क्या हो सकता है, a प्लस बी, a माइनस बी ऊपर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये अपना तीसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको आप इधर लेके, ओके ओके, ये पीछे वाला है ना, ये ऐसा हो जाएगा, एक सेकेंड, ये वी नॉट, ये पीछे वाले मैंने ए, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, मैं उसको भी सीधा कर ही देता हूँ, v प्लस वी नॉट होना है। ठीक है, तो v प्लस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो ठीक ही लिखा हुआ था। ठीक है, अभी क्या हो गया हमको, ये इसके इसमें कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ये अपना तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है जो अपने को फोकस करना है, क्या लिखा हुआ है कि इक्वेशन 2.7 ए एंड 2.7 बी, 2.7 ए एंड 2.7 बी mean that the object has undergone displacement x with an average velocity equal to the arithmetic average of the initial and final velocity. यही मैं आपको बता रहा था, v bar की जो value थी, ये जो v bar था ना, दोनों केस में v bar picture में आ रहा है, और उसके initial और final velocity का हम average लेकर के हम ये calculation कर रहे हैं, और ये हमेशा true नहीं होता है, ये constant acceleration only के लिए। ठीक, constant और acceleration, uniformly accelerated motion एक ही बात है। यूनिफॉर्मली मतलब क्या हो गया कि हर सेकंड आप 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड ऐड कर रहे हैं, हर सेकंड आप 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो, हर सेकंड आप 2 मीटर पर सेकंड ऐड कर रहे हैं स्पीड, इसमें स्पीड में अगर 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड आप ऐड कर रहे हैं, तो उसको कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मोशन भी बोला जा सकता है। तो ये दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, और ये जो अपना वी बार वाला फॉर्मूला है वो इसी केस में लग पाएगा, सभी केस में नहीं लग पाएगा। अगर किसी सेकंड 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है, अगले मीटर क्या हो रहा है, अगले में 1 मीटर पर सेकंड स्पीड ऐड हो रहा है स्पीड में, तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा।
यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया अपने तीन इक्वेशन। अब क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि पहले तो ये लाइन देख लीजिए, दीज आर द काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। इसको काइनेमेटिक्स इक्वेशन बोला जाता है। अब काइनेमेटिक्स नाम से डरिएगा मत, सीधा सीधी काइनेमेटिक्स मतलब होता है कि मोशन को आप स्टडी कर रहे हैं विदाउट गोइंग टू डिटेल कि उस मोशन को कौन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि ये सीधा सीधी मोशन से रिलेटेड है। अब इसमें कहीं भी ये नहीं मतलब रख रहा है कि भाई ये मोशन स्टार्ट कैसे हुआ, कौन उसको ट्रिगर किया उस मोशन को, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोलता है कि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि टी इक्वल टू जीरो पर हमारा जो इनिशियल पोजिशन था वो एक्स इक्वल टू जीरो था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि यार कि मतलब जो मैंने आपको बताया कि इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट और फाइनल पोजीशन एक्स, तो ये जब आप ये पुट करेंगे कि मैंने यहाँ पे जीरो मान के तो ये इक्वेशन आ रहा था, लेकिन जब हमको ये जीरो नहीं मानना है कि ये कहीं और से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू नहीं हो रहा है मोशन, तो यहाँ पर हम लोग इसका एक्स की जगह पर क्या कर देंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट लिख देंगे। इससे क्या हो जाएगा, एक जनरलाइज इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम टी तो जीरो से टी मानेंगे क्योंकि टी तो स्टार्टिंग टी जीरो से ही होगा, वो भी हो सकता है बट उतना अपने डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जब वैसा सवाल आएगा आईटी या नीट के लेवल पे तब हम देखेंगे उस चीज़ को, बट फिलहाल एनसीईआरटी के लेवल पर टाइम जो है जीरो से शुरू हुआ है, टी पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी वी नॉट से शुरू हुआ है, वी पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसमें दो केसेस हैं, पहला तो ये है कि जीरो से शुरू हुआ है, एक्स पे ख़त्म हुआ है, दूसरा ये है कि एक्स नॉट से शुरू हुआ, एक्स पे ख़त्म हुआ है। तो एक्स नॉट से शुरू हुआ, एक्स पे ख़त्म हो रहा है, उसके लिए ये आ गया और ये काफ़ी जनरलाइज फॉर्म है इसका। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्म हो गया ना, क्योंकि हमने x इक्वल टू जीरो मान लिया था, स्पेशल फॉर्म हो गया और ये जनरलाइज वर्जन हो जाएगा। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे। अब हमारा ये जो अपना मैथमेटिकल पार्ट था कैलकुलेशन वाला वो खत्म हो चुका है। अब कैलकुलस वाला पार्ट आता है। कैलकुलस इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहाँ पे करते हैं उसको हम लोग कैलकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दो चार बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको मिस नहीं करे दिमाग से कि भाई कैसे हमको पाथ पकड़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस एक दो बार आपको करना पड़ेगा तभी आपके दिमाग में सेटल होगा चीज़। पहला तो ये है कि अपना पहला फॉर्मूला कौन सा डिराइव करना था, पहला फॉर्मूला ये वाला डिराइव करना था, वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। तो हमको क्या पता है, इस चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या देखा है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी है ना, ये इधर लेके जाइए, ऐसा बन जाएगा कुछ, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। अब इस पर सिंपल इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब v का तो हम पता है कि v नॉट से v जा रहा है और t का हमको पता है जीरो से t जा रहा है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ गया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे इंटीग्रेट करके क्या आ गया, यहाँ पर t आ गया, t जीरो से t यानी कि t माइनस जीरो आ जाएगा और ये आगे जाके ए टी हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, v आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा। और जब हम वैल्यू पुट करेंगे v से v नॉट, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। उम्मीद आपको इंटीग्रेशन आता होगा, नहीं आता इंटीग्रेशन तो फिर थोड़ा मैथ्स देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था। और जिनको कुछ नहीं समझ में आया उनके लिए तो रट्टा वाला ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है जिनका थोड़ा मैथ्स कमज़ोर है या नीट वाले हैं मैथ्स छोड़ चुके हैं, उनके लिए मैं इंटीग्रेशन बताता हूँ कि जैसे ऐसा होता है ना, dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ये वैल्यू हम हटा देते हैं, वैल्यू अभी कुछ होगा यहाँ पे, ये कुछ वैल्यू होगा उसको अभी हम पुट नहीं करने की बात कर रहे हैं। dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, x का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर x स्क्वायर dx होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना बाकी रह जाता है, यहाँ भी वैल्यू पुट करना भी बाकी रह जाता है। तो इस केस में dv था, तो dv का क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। ठीक है ना, v नॉट से v जा रहे हैं, dv जा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या देगा हमको, v देगा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से v तक, ये मैंने सीधा लाइन खींचा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा सिंबल नहीं है, चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए लिखा हुआ, आप एग्जाम में सीधा पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन होकर वी आ गया, अब वैल्यू खाली पुट करना है, पहला वैल्यू माइनस दूसरा वैल्यू। ठीक है, पहला वैल्यू माइनस दूसरा वैल्यू, वी माइनस वी नॉट। ठीक है,
ये यहाँ पे ऐसा आया हुआ है। दूसरा क्या था? दूसरा भी तो वही है, सिर्फ डी टी है, ए कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर आ गया, डी टी है क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में है तो ए में टी नहीं दिख रहा है हमको, तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे, कॉन्स्टेंट मान के बाहर कर देंगे। और उसके बाद तो सीधा ही सीधा ये वाला पहला वाला केस है जिसमें टी आ जाएगा, टी माइनस जीरो कर देंगे तो ये ए टी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये अपना पहला फॉर्मूला आ गया, वी आर डन विथ फर्स्ट फार्मूले, लेट्स गो फॉर द सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सेकेंड पे आइए। सेकेंड सेकेंड फार्मूला कौन सा है अपना? अब इसमें देखिए, इसमें आप इस फॉर्मूले में अपने को क्या क्या दिख रहा है? इस फॉर्मूले में एक्स और एक्स नॉट दिख रहा है, मतलब एक तो डी एक्स रहा होगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या दिख रहा है हमको? टी दिख रहा है ना, टी दिख रहा है मतलब एक डी टी रहा होगा। ठीक है, तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें डी एक्स और डी टी हो, क्योंकि टी मतलब एक तो जीरो से टी जाता है ना। अगर यहाँ पर वी नॉट खाली दिख रहा है, अभी डी वी क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वी नॉट दिख रहा है, यहाँ पे वी नहीं दिख रहा है। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वी नॉट से वो वी जाएगा, यानी वी तो आना ही चाहिए, लेकिन वी तो इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब कि डी वी वाला जो फैक्टर है वो नहीं आएगा। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अब आपको जब ये पता चल गया कि एक डी एक्स है, दूसरा डी टी है, तो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? वी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, पहला पार्ट में पढ़ा था ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला जो था उसमें, तो वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अब इसको इधर लेके गए, इससे तो ये आप आराम से लेके आ जाएंगे, है ना, डी टी इधर चला गया तो डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि हमको ये पता है कि इसमें v का फैक्टर नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला में देख रहे हैं ना आप, इस फॉर्मूले में आप देखिए कि इसमें कहीं आपको v का फैक्टर, v दिख रहा है, ये जो यहाँ v दिखा हमको, ये इसमें कहीं भी नहीं है, नहीं है ना, तो मतलब इस v को हटाना पड़ेगा। ठीक है, v कैसे हटा सकते हैं? तो v को हमको वी नॉट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो अपने पास ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से क्या आ जाता है, वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। आप ये उठा के इसमें v की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, बस प्रोसेस फ्लो कीजिएगा, बहुत ईजी है, कोई इसमें टफ नहीं है, टफ तो मैथ्स में होगा, यहाँ पर कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमको v का फैक्टर नहीं दिख रहा था इस फॉर्मूला में, तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस किया। अगर आपको ऐसा लग जाए यहाँ जैसे आप अटक जाएँ, ठीक है ना, यहाँ जैसे आप अटक जाएँ, तो आप ये सोचिए ना कि फॉर्मूला में v तो दिख ही नहीं रहा है, तो हमको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, तो हटाने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है अभी तक, ये हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक, अब ये देखिए, ये पुट करके ये आ गया, पुट करके ये आ गया। तो अब dx का इंटीग्रेशन तो आसान है, dx का सीधा ये पहला वाला, ठीक है, x तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा सीधा सीधी। ये देखिए, पहला वाला x माइनस एक्स नॉट आ गया। इसका इंटीग्रेशन अब ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या है कि इसको थोड़ा मैं तोड़ के लिखूंगा पहले। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो से टी वी नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी ए टी डी टी। ठीक, अब ये कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों का बाहर लेके जाइए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वी नॉट, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक आध स्टेप आप इसमें स्किप मार सकते हैं, बट अगर आपके राइटिंग तेज हो तो आप लिख भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। डी टी प्लस ए जीरो से टी टी डी टी। ठीक, अब सीधा सीधी हो गया। अब डी टी पहला वाला केस हो गया, टी माइनस जीरो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये पहला वाला इंटीग्रेशन आएगा एक्स, यानी कि टी 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 माइनस जीरो, तो वी नॉट टी आ जाएगा। प्लस टी डी टी का क्या बताया था मैंने, यहाँ देखिए टी डी टी, ये वाला टी डी टी हो गया ना, एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि टी स्क्वायर बाई टू, ए ए ऐसे कैसे लिख देंगे इसको, टी स्क्वायर बाई टू। अब जीरो से टी आप पुट करेंगे तो टी, अब कायदे से देखा जाए ना, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, टी माइनस जीरो टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, ऐसा, तभी जीरो स्क्वायर तो हट जाता है ना, तो ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही ये जो है आपका, ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, पहले तो ऐसा दिखेगा, ये पहला वाला ये वाला पार्ट हो गया, कहाँ गया, ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा वाला जो है वो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, और यहाँ से हमारा तीसरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक, अब आ जाइए, तीसरा नहीं है, दूसरा ही था, हाँ दूसरा ही था ना ये, अब आ जाइए तीसरे वाले पे, फिर वही मेथड लगाएंगे।
ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें V दिख रहा है, V नॉट दिख रहा है, मतलब कि एक तो dV आया होगा, ठीक है। अब इसमें T तो कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे dx आया होगा। अब dV और dx में डायरेक्ट कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन है A इक्वल्स टू dV बाई dt, एक ये रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन हमने कहाँ यूज़ किया था, यहाँ पे यूज़ किया था, V इक्वल्स टू dx बाई dt, V इक्वल्स टू dx बाई dt, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक तो ये dV के टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि V और V नॉट दोनों देख रहा है, मतलब एक dV तो होना ही चाहिए, मतलब dV इसमें नहीं है, मतलब ये वाला केस आप काट सकते हैं दिमाग से, ठीक है। इसको आप हटाइए, ठीक, मतलब कि इसी को कुछ करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे हम, और हमको dx का भी फैक्टर चाहिए, चूंकि हमको x दिख रहा है, t तो है ही नहीं इस वाले फार्मूले में, ठीक है। इस वाले फार्मूले पर मत जाइए, आप इस वाले फार्मूले पर जाइए, क्योंकि इसमें तो x नॉट इक्वल्स टू 0 माने हुआ है ना, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़ करेगा आपको। इस वाले फार्मूले पर जाइए, तो अब तो ये तो सिंपल हो गया ना, v और v नॉट दिख रहा है, x और x नॉट दिख रहा है, यानी कि dv और dx चाहिए हमको। अब dv और dx कैसे लाएं इसमें, तो हम क्या करेंगे, dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर ले जाइए, इसको इसके अंदर ले जाइए, अगला स्टेप में dv बाई dx और dx बाई dt। अब देखिए काम आसान हो रहा है हमारा, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि dx बाई dt जो है उसको हम v बोल सकते हैं, dx बाई dt को हम v बोल सकते हैं, a इक्वल्स टू v dv बाई dx। अब हमारा वो भी काम हो गया, ये हमारा टी चला गया, क्योंकि यहाँ पर टी नहीं था ना, तो ये टी हटाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। टी हटाने के लिए हमने इसके साथ इसको मिंगल कर दिया, ये सिंगल था, इसको मिंगल कर दिया है, वो जैसे ही मिंगल हुआ गायब हो गया अपनी दुनिया में, आप लोगों को पता ही होगा मिंगल होने के बाद लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, है ना। तो ये आ गया अपना वी डी वी बाई डी एक्स आ गया, राइट। अब देखिए हमारा सीधा सीधी देखिए, ये दिख रहा है, सॉरी इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, वी नॉट दिख रहा है, वी दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एक्स नॉट दिख रहा है, यानी ये तो एक्स और एक्स नॉट इंटीग्रेशन से आया होगा, वी और वी नॉट इंटीग्रेशन से आया होगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, काम हो गया हमारा। देखिए तो अब क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी, ए डी एक्स क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधी एक्स नॉट, अब तो ये पहला वाला केस आ गया ना, एक्स आ गया, तो एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया इक्वल्स टू वी का इंटीग्रेशन, वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो और लिमिट ये कहाँ से कहाँ के लिए, वी से वी नॉट, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर होल्ड में टू, क्योंकि इसके नीचे भी टू होगा और इसके भी नीचे भी टू, वैल्यू तो पुट किया बेसिकली हमने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, है ना, क्लियर है। अब इसमें एडवांटेज क्या है, इस मेथड में एक एडवांटेज है, इस मेथड में ये क्या एडवांटेज है कि ये आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में हमको मेरा ये बंदिश था, या ये बोल सकते हैं कि ये वो हमारा लिमिटेशन था कि हम उसको कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन के लिए ही यूज़ कर पा रहे थे, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के लिए ही कर पा रहे थे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हम इधर यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब नॉन एक्सलेटर मोशन के लिए भी यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। बिपरजॉय यहाँ दिल्ली पहुँच चुका है, और गुड़गांव में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, सुबह सुबह का समय है, मौसम अच्छा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट केस पे, इस पे सवाल पे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है यहाँ पर, खास कर इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ही टफ नहीं है यहाँ पर, थोड़ा टफ होता है जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो आएगा टफ, जिनके बस का मैथ्स नहीं उनके बस का इंजीनियरिंग नहीं, ठीक है। चलिए, एक 25 मीटर बिल्डिंग पर कोई खड़ा, इसको पढ़िएगा आप, मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधी, ठीक है। बाकी आपको इसमें पहला मेथड दूसरा मेथड करके दिया हुआ है ना, तो आप वो देख लीजिएगा, मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसका कितना है 25 मीटर का है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मान लेते हैं आप खड़े हैं,
यहाँ से आपने एक बॉल फेंका ऊपर की ओर, ठीक है, कितने से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका ऊपर की ओर। आज हमारा मोबाइल ऑन रह गया, ठीक, बंद कर दिए एयरप्लेन मोड में। 20 मीटर पर सेकंड से उसको ऊपर फेंका, 25 मीटर ऊपर खड़ा है ये, ग्रेविटी इस पर कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का लग रहा है, ठीक है। तो इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये है कि दो तरीका है इसको, एक तो ये कि आप साइन माने, और दूसरा है कि आप साइन नहीं मानते हैं, ठीक है। साइन जब आप मानते हैं तब आप ऊपर की ओर पॉजिटिव मानेंगे और नीचे की ओर निगेटिव मानेंगे, यानी कि ग्रेविटी निगेटिव में लग रहा होगा, स्पीड पॉजिटिव में होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना बॉल ऊपर जाएगा। तो इसमें भी क्या है, अपने को क्या क्या पता है उसके हिसाब से फॉर्मूला होगा। तीन फॉर्मूला हमको पता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तीन फॉर्मूला हमको पता है। थोड़ा सा ये लंबा जा सकता है ये वाला पार्ट, बट इस पार्ट में हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है इसमें। चलिए, पहले हम साइन नहीं मानते हैं, साइन नहीं मानते हैं तो क्या होगा कि इस बॉल पे ऊपर गया, ऊपर गया इस पे एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा, मतलब हमें क्या पता है कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट पता है 20 मीटर पर सेकेंड, वी पता है 0, ठीक है, ग्रेविटी ये एक्सेलरेशन पता है जी के बराबर है, ठीक। और क्या पता है, हमसे पूछा है क्या पूछा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, हाई मतलब डिस्टेंस पूछा है, एस पूछा है यानी सॉरी एक्स पूछा है, एक्स पूछा है हाउ हाई द बॉल विल राइज, ठीक। टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हमको ये एक्स पूछा है, ठीक। तो अब ये आप देखिए कि हमको वी वी नॉट पता है, ए पता है, एक्स पूछा है, कौन सा फॉर्मूला सर सर सूट करता है यहाँ पर, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS, क्योंकि ये भी पता था। तो फाइनल वेलोसिटी 0, सीधा पुट कर देते हैं वैल्यू, फाइनल 0 माइनस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल्स टू 2 एक्सलरेशन माइनस 10 ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, माइनस 10 एस एस इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये 2 × 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। तो इस 25 मीटर से 25 इस बिल्डिंग से ये जो हमने कहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है, ये कहाँ जाएगा, 20 मीटर ऊपर जाएगा, यहाँ से ये 20 मीटर ऊपर जाएगा, 20 मीटर्स ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको ग्राउंड से पूछा, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, लेकिन ये हाई कहाँ से, बिल्डिंग से या ग्राउंड से, ये मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप ये लिख देंगे कि बॉल विल राइज 20 मीटर्स अबव द बिल्डिंग एंड 45 मीटर्स, क्योंकि ये 25 मीटर्स था ना, तो 20 प्लस 25 इक्वल्स टू 45 एबव ग्राउंड, एबव ग्राउंड, ठीक। तो यहाँ से दोनों चीज़ आप लिख दीजिएगा, अब एग्जामिनर को पता नहीं है ना यार, तुमने ग्राउंड वाला नहीं लिखा, बिल्डिंग वाला सिर्फ बता दिया, या सिर्फ तुमने ग्राउंड वाला बताया, बिल्डिंग से कितना ऊपर जाएगा ये नहीं बताया। तो चूंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि हाउ हाउ हाई विल द वॉल राइज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द बिल्डिंग और फ्रॉम द ग्राउंड, ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप दोनों कुछ लिख दीजिए कि जो बॉल है वो 20 मीटर बिल्डिंग से ऊपर जाएगा और टोटल ऑफ 45 मीटर्स ग्राउंड से ऊपर जाएगा, ठीक। पहला सवाल हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास तीन इक्वेशन था, और जो हमारे पास डेटा था वो कितना दिया हुआ था वो हमने देखा, और उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, बॉल को ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें पहला मेथड क्या है कि पहले ये ऊपर जाएगा बॉल, बॉल का मोशन कैसा रहा होगा, बॉल का मोशन रहा होगा ये ऐसे गया फिर ये ऐसा आया, ये बॉल है अपना, ठीक है ना, ये अपना हाथ है, ये बॉल ऐसा गया ऐसा गया, यानी कि कुछ डिस्टेंस ये ऊपर गया होगा और फिर ये पूरा नीचे आया होगा। तो इसका इसका हमको पता चल गया है ना, कितना 20 मीटर ऊपर जाता है यहाँ से, यहाँ से कितना जाता है 20 मीटर ऊपर जाता है, और फिर कितना ट्रेवल करता है 45 मीटर्स। तो मेथड वन में आप देखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, मेरे पास वर्क एरिया कम पड़ रहा है, ठीक है।
ठीक है, मेथड वन में क्या होगा कि हम ये जो ऊपर गया है उसका ये देखेंगे, और मेथड टू में क्या देखेंगे कि ये। तो पहला मेथड मैंने मेथड वन में देखते हैं। अरे एम वन, ठीक है, मेथड वन में क्या होगा कि पहले ये ऊपर जाएगा, दूसरा फिर ये नीचे आएगा। कितना ऊपर गया यहाँ से, ये 20 ऊपर गया था, अभी हमने सर्च फाइंड किया और नीचे कितना आया, 45 आया। यानी कि ये किसका वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पूछा, टाइम पूछा है। टाइम के लिए क्या चाहिए हमको, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो पहले वाले केस में वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो था, और इस वाले बात की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 20 था, पॉजिटिव में 20 होगा, माइनस 80। ठीक है, ए कितना था, 10 था, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, 10 था। तो 10t इक्वल्स टू 20, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, यानी कि ऊपर जाने में उसको 2 सेकेंड लगा। इतना क्लियर है आपको? टू सेकेंड यहाँ पे लगा। इसमें क्या हो गया, अब ऊपर पहुँच गया, स्पीड रुक चुका है, यानी कि वी नॉट इक्वल्स टू अब जीरो हो चुका है। वी हमको नहीं पता है, ठीक है, ए पता है, माइनस 10 क्या है, नीचे की ओर लग रहा है, नीचे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या पता है, डिस्ट एस पता है, एस यानी एक्स पता है, एक्स इक्वल्स टू 45 पता है। अब फार्मूला बताइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता है। ठीक है, वी नॉट वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 80 ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमको वी नहीं पता है। ठीक है, और टी भी नहीं पता है, हमको तो टी ही खोजना है ना बेसिकली। तो दो वेरिएबल हो गए ना, इक्वेशन दो वेरिएबल हो गया, तो ये दोनों नहीं लगेंगे। तो लास्ट वाला अपना कौन सा लगेगा, एक्स इक्वल्स टू यू टी वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से तो आराम से पता कर चल जाएगा, ये हमको कितना पता था, 45। यू नॉट कितना था, जीरो हो गया, ये माइनस 10, माइनस 10 ये हाफ यहाँ पर और टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये फाइव हो गया। अब ये डायरेक्शन भी निगेटिव में आएगा ना, क्योंकि ये 45 तो नीचे की ओर जा रहा है ना, तो ये भी तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, टी का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अरे यार, ये टी स्क्वायर 9 आएगा ना, टी इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, टी इक्वल्स 3 आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगा, पहले ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड लगा था, नीचे जाने के लिए 3 सेकंड लगा, यानी कि टोटल उसको 5 सेकंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। एक तो ये तरीका है जिसमें हमने ऊपर जाना अलग कैलकुलेट किया, नीचे जाना अलग कैलकुलेट किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप साइन मान के कीजिए, क्या करिए कीजिएगा आप साइन मान के, इतना फिर पेच में ही नहीं फंसेंगे। ये आसान तरीका था, वो भी आसानी है, साइन मानिए आप। ठीक है, हमको क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, वी नॉट पता है, कितना प्लस 20 पता है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सलरेशन पता है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जी के बराबर है ना, ग्रेविटी के बराबर है, माइनस जी के बराबर रख लीजिए। ठीक है, और क्या पता है, टी पता है क्या, टी तो खोजना ही है हमको, टी तो खोजना ही है। और क्या पता है, एक्स पता है, डिस्टेंस पता है क्या हमको, डिस्टेंस हमको पता है ना, 45 ही तो ट्रैवल किया है टोटल, नहीं, ओके, ये जो इसमें ये कर रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला पुट कीजिए आप, कहाँ गया, ठीक है, उसमें हम लोग इसको इनिशियल एक्स को यहाँ से मान रहे थे, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें इनिशियल हमको क्या निकालना है, हमको इनिशियल फाइनल पोजीशन हमको पता था, वो जीरो के बराबर है, ठीक है, इसमें चूंकि ये ऐसा चल रहा है, ये वाई डायरेक्शन है इसका, ठीक है ना, तो हम लोग वाई में ही मानते हैं। तो इसको, इस फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें, तो वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये खोजना है, ये पता है, ये पता है, ये भी खोजना ही है, ठीक है, ये पता है, इनिशियल पोजीशन इसका पता है, और फाइनल पोजीशन भी हमको पता है। ठीक,
अब ये सीधा पुट कर देंगे, ये जो सीधा फॉर्मूला आ गया, आप आगे देखिए, ये सीधा सीधे इसमें पुट किया हुआ है वैल्यू, ये आप पोर्शन आप देख रहे होंगे, ठीक है। वाई क्यों जीरो लिया? क्योंकि 25 से स्टार्ट किया था ग्राउंड पे हमने, जीरो आया, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ था ना, ठीक है। वाई पे जीरो हो गया, और ये टी निकालना है अपने को। ये वैल्यू आप जैसे पुट करेंगे अपने को ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं करके ही बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। अब देखिए इनिशियल पोजीशन कितना है, 25 मीटर था, 25 मीटर था ना ग्राउंड के ऊपर से। फाइनल पोजीशन क्या है, ग्राउंड पे ही है, जीरो है। प्लस वी नॉट क्या था अपना, वी नॉट 20, टी नहीं पता, 20 टी। प्लस 1/2 ए माइनस 10, तो हम क्या करते हैं माइनस घुसा ही देते हैं इसमें, माइनस, और 10 में का 2 से भाग देंगे तो 5 5 टी स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 5 का फैक्टर हटा सकते हैं यहाँ से, ये क्या आ जाएगा कि सॉरी टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस प्लस नहीं माइनस ये 25 नहीं 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये इसके बराबर आ गया ना, इक्वेशन के बराबर, ठीक है। ये एक स्टेप पहले का लिखा हुआ है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से लगाइए और इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो यार मतलब 7th 8th का बात है, तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, साइन को ध्यान में रखा गया है। कैसे साइन में ध्यान रखा गया है, मैं इसको एक बार मतलब कैलकुलेशन इज नॉट एन इशू। अगर आपको ये समझ में ना आया हो, क्योंकि साइन का इसमें आ जाता है पंगा, तो आप पहले वाले मेथड से जा सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन आपके दिमाग में है तो आपको साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन दिमाग में नहीं रखना है तो आप साइन लगाइए। यहाँ पर इसने क्या किया है कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, इस पर एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, वाई इक्वल टू जीरो है ना, ये वाला पोर्शन, और ये क्या है, वाई वाई नॉट था इक्वल्स टू 25, ये वाला पोर्शन 25 था, ठीक है। ऊपर की ओर गई है चीज़, तो ये क्या होगा, प्लस 25 होगा, ये तो जीरो है तो कोई बात ही नहीं है, जीरो में तो प्लस माइनस का बात ही नहीं है। ये ऊपर गया तो प्लस 20 मीटर पर सेकेंड पर से, ग्रेविटी नीचे लग रही है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या था वी नॉट और कौन सा कोई फैक्टर रह गया, वाई नॉट हो गया, वी नॉट हो गया, टी हाफ 80 स्क्वायर, हाँ हो गया ना, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसीलिए इसने इसको प्लस इसीलिए माना गया है, इसको जीरो में तो कोई नहीं साइन नहीं था, इसमें कोई ये प्लस साइन था और इसमें माइनस साइन था, ठीक है। अब सीधा इसमें आप पुट कर दीजिए कि यहाँ से ये निकला है, इस पर माइनस एक्सेलरेशन लगा है, और कहाँ तक गया है ये, वाई इक्वल टू जीरो तक गया है, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में गया है, ठीक है। पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, वो साइन लगाएंगे वो अपने आप ही दे देता है। और अगर साइन आपको नहीं लगाना है तो डायरेक्शन दिमाग में रखिए, ठीक है। अब जैसे बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ऑफ एक्सेलरेशन वहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये हम बात कर चुके हैं कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड जीरो होता है। तो आपको जब ये पता है कि ग्रेविटी जो है वी इक्वल, जब हमने ये लगाया था वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ये जब फॉर्मूला लगाया था, तो हमको यहाँ पर वी नॉट माइनस 10 टी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको ये चीज़ दिमाग में हमने ये सेट किया हुआ है कि ये ऊपर की ओर गया है और ये नीचे की ओर लग रहा है इस पर, 10 माइनस 10 पे मतलब ग्रेविटी पे, तो ये माइनस 10 लिखाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि भाई एक वैल्यू जी से पुट कर दिया और इसको प्लस कर दिया, तब तो वो फिर बढ़ता चला जाएगा ना, ठीक है। डायरेक्शन आपने दिमाग में रखा तो आप माइनस लगा दिए, ठीक है। तो डायरेक्शन अपने दिमाग में रखिए, और जहाँ पर माइनस लगाना वहाँ माइनस लगाइए, जहाँ पर प्लस लगाना वहाँ प्लस लगाइए, एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर डायरेक्शन दिमाग में नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप ये इस तरह से कीजिए, ठीक है। चलिए आप इसको पढ़ के देखिएगा, हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। जो दिक्कत हो एक बार मेरे कमेंट में डालिए और मैं आपको ये बता दूंगा, अलग से लेक्चर लेकर के बता दूंगा। अब ये क्या है, डिस्कस द फ्री फॉल, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप पढ़ के देखिए कहाँ गया, हाँ, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। इसमें कुछ कुछ मैंने पॉइंट पॉज करके, इसमें जो कुछ कुछ पॉइंट है वो मैंने लिखा हुआ है, कि पहला तो ये है कि क्या है कि बॉल है नीचे की ओर जा रहा है, तो इस पर क्या हम मान के चलते हैं, ग्रेविटी जी लग रहा होगा, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। आइडल केस मान रहे हैं ना, ठीक है। जब ये जी नीचे की ओर लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस जीरो लग रहा है, तभी हम मानते हैं कि ये एक फ्री फॉल है, ठीक है। और फ्री फॉल जब होता है
तब ये क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है, क्योंकि हर सेकंड आपको 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, हर सेकंड पर आपको 9.8 मीटर पर सेकंड का स्पीड ऐड होता चला जाता है, ठीक है। इसलिए एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका। दूसरा चीज़, ये माइनस वाई डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि नीचे की ओर जा रही है, तो माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने देख लिया, माइनस 9.8 लगेगा। यहाँ से इन्होंने क्या किया कि यहाँ से इन्होंने सिंपली वैल्यू में पुट किया, वी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस 80। तो चूंकि हमने फ्री फॉल में इनिशियली से छोड़ा है, तो वो वैल्यू पुट करके हमारा ये आ जाता है। तो एक फ्री फॉल चीज़ के लिए एक वेलोसिटी टाइम में ये रिलेशन होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये रिलेशन होगा, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन होगा। तीनों का इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है इसके बाद, ठीक है। तो अब आप ये देख लेंगे कि v इक्वल्स टू माइनस 9.80 है, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है कि v इक्वल्स टू 9.80। तो हर टाइम के हर के साथ ये बढ़ता जाएगा, तो कैसा बनेगा, दिया ही हुआ है, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ मैं, अब टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस एक्सिस पे टाइम आएगा और इस एक्सिस पे वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो टाइम के हर सेकंड का इसको क्या लिख सकते हैं, इस पहले वाले को हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू वी बाई माइनस 9.8, ठीक है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। अब इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या नंबर है और यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या वैल्यू होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ग्राफ ऐसा निकल के आएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर ये कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर को आप नेग्लेक्ट कर दें तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में क्या हो जाता है, ये सीधा लाइन बन जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये वाला केस, ठीक। अब आ जाइए दूसरे केस पे, चलिए इसको यही ख़त्म करते हैं, फिर से लंबा होने जा रहा है वीडियो, ठीक है। इसको यहीं से ख़त्म करते हैं और मैं जस्ट इसके बाद नया एक वीडियो बना रहा हूँ जो मैं इसमें अपलोड करता हूँ, ठीक है मित्रों। टाटा।